हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार कुमावत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल वर्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। पिछले वीडियो तक हमने प्रोक्टर टेस्ट के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज के वीडियो में हम जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है उनसे और जो हाई लाइट कम्पेक्शन टेस्ट है, हेवी कम्पेक्शन टेस्ट है, उनके बारे में देखते हैं। उनकी वैल्यूज क्या क्या है, कैसे उनमें हेमस की क्या वैल्यू है, हाइट ऑफ होल कितना है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना है, कितनी कंपेक्टिव एनर्जी है और कितने लेयर में ये प्रोसेस डन होते हैं। तो उसका नेक्स्ट आपका है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। इसके अंदर हम वेट ऑफ हेमर जो लेते हैं वो होता है 4.54 kg, हाइट ऑफ होल जो होती है 457.2 mm, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होता है 944 cm³, और जो कंपेक्टेड इसका कंपेक्शन डन किया जाता है वो हम पांच लेयर के अंदर विथ 25 ब्लोस के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। मतलब जो भी आपका सोयल सैंपल होगा उसको हम इस जो 944 cm³ का आपका मोल्ड है उसके अंदर पांच लेयर में भरेंगे और ईच लेयर को 25 टाइम्स हम कंपैक्ट करेंगे विथ हेमर। तो यहाँ पे जो इसको कंपैक्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे उस सोइल को, टोटल हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ई की वैल्यू जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी एफर्ट है, उसकी वैल्यू हम एनर्जी ट्रांसफ़र को ही हम कंपेक्टिव एफर्ट बोलते हैं और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एन डॉट एम जी एच अपॉन वी से, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज है, और जो एम आपका हेमर का मास है, जी हम जानते हैं 9.81 होता है, और एच है हाइट ऑफ होल। तो इस तरीके से हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं जो होती है आपकी 2696.51 किलो जूल पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका लाइट कंपेक्शन टेस्ट। ये जो लाइट और हेवी कंपेक्शन टेस्ट है ना, ये आपके अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 2720 के अकॉर्डिंग ये दो टेस्ट हम यूज लेते हैं। पहला है जिसके अंदर हाई लाइट कंपेक्शन टेस्ट और दूसरा है आपका हेवी कंपेक्शन टेस्ट। लाइट के अंदर हम वेट ऑफ हेमर जो लेंगे वो लेंगे 2.6 kg, हाइट ऑफ होल होगी इसकी 310 mm, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड आपका होगा 1000 cm³, और जो इसका कंपेक्शन हम डन करते हैं वो तीन लेयर में करते हैं और ईच लेयर को 25 टाइम्स हम कंपेक्ट करते हैं। तो जो कंपेक्टिव एफर्ट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में वो हो जाएगा 593.014 किलो जूल पर मीटर क्यूब में। इसी तरीके से जो हेवी कंपेक्शन टेस्ट होगा उसके अंदर हम वेट ऑफ हेमर लेंगे वो 4.9 kg लेंगे, हाइट ऑफ होल होगी 450 mm, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होगा 1000 cm³, वो जो कंपेक्शन इसका डन करेंगे वो हम 5 लेयर के अंदर इसका डन करेंगे। तो इसका जो कंपेक्टिव एफर्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 2703.88 किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आपके कुछ इन टेस्ट को करने के लिए पैरामीटर्स है जो आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और डिप्लोमा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ फैक्टर्स है जो कंपेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपेक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपेक्शन को अफेक्ट करेंगे, उनमें पहला आता है आपका वाटर कंटेंट, दूसरा आता है टाइप ऑफ सोयल, और तीसरा आता है कंपेक्टिव एफर्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं नेचर ऑफ एफर्ट की और अमाउंट ऑफ एफर्ट की। सो जो नेचर ऑफ एफर्ट है उसके अंदर हम ये लेते हैं कि किस टाइप का हम कंपेक्शन
करते हैं उसके अंदर वाइब्रेटर से करते हैं या रोलर से करते हैं, तो वो जो मेथड जो होते हैं ना कंपेक्शन करने के, वो होता है आपका नेचर ऑफ एफर्ट में, और जो अमाउंट ऑफ एफर्ट कि हम जब कंपेक्शन कर रहे हैं तो कंपेक्शन करने वाली सोयल को हम कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो होता है अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो अब जो वाटर कंटेंट है वो किस तरीके से आपके कंपेक्शन को अफेक्ट करता है, उसके लिए हम दो थ्योरी पढ़ते हैं, जिसके अंदर पहला आपका आता है लुब्रिकेशन थ्योरी और दूसरा आता है लेम्स थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लुब्रिकेशन थ्योरी, आपको पता है और हम सब जानते हैं पिछले लेक्चर में या डेफिनेशन ऑफ कंपेक्शन में हमने बात कर ली थी कि जब हम कंपेक्शन करते हैं तो कंपेक्शन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो वॉइड्स अवेलेबल है उनके अंदर पार्टिकल्स, सोइल पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और उन वॉइड्स में से आपकी एयर बाहर निकलती है, या मैं यूँ कहूँ कि जो एयर वॉइड्स हैं उनमें से एयर बाहर निकलती है और जो पार्टिकल्स सोइल पार्टिकल्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, तो उससे जो वॉल्यूम में क्या होती है कमी होती है और आपका गामा डी बढ़ जाता है। अल्टीमेट आपका जो कंपेक्शन करने का मतलब होता है आपका गामा डी को बढ़ाना। तो अब जो लुब्रिकेशन थ्योरी क्या कहती है कि जब इनिशियली आपका वाटर कंटेंट कम होता है, या मैं यूँ कहूँ कि मैं आपको कहूँ कि ये आपकी ड्राई सोइल है और आप उसको कंपेक्ट करो, तो जब आप उस ड्राई सोइल का कंपेक्शन कर रहे होंगे तो उस समय जैसे ही आप वेट लगाओगे सोइल पर तो सोइल के पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और कंपेक्शन करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो जब वाटर कंटेंट कम होता है तो सोइल आपकी स्टीप होती है और कंपेक्शन करना डिफिकल्ट होता है, पर जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट को बढ़ाओगे, जो वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है वो वाटर एक्ट करेगा एज ए लुब्रिकेंट। ये जो एज ए लुब्रिकेंट क्या करेगा, ये वाटर सोइल के पार्टिकल्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएगा, जिससे जो सोइल के पार्टिकल्स लुब्रिकेटेड हो जाएंगे और उनका जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। तो जैसे ही हम अब सोइल के पार्टिकल्स लुब्रिकेट हो गए, उसके बाद हम उस सोइल पर लोड लगाते हैं तो जो कंपेक्शन करना है वो इजी हो जाता है, कंपेक्शन इजी होएगा। तो अब जैसे ही हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं क्या होगा, जो जो सोइल के अंदर आपके वॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनमें से एयर बाहर निकलेगी और उनकी जगह उन वॉइड्स के अंदर जो लुब्रिकेटेड सोइल के पार्टिकल्स हैं वो उन वॉइड्स को फील करेंगे और सोइल के पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब उन जो वॉइड्स के अंदर आपका सोइल के पार्टिकल्स फील होना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब आपका वाटर कंटेंट ओएमसी तक नहीं पहुंच जाए, मतलब जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे उनमें जो वॉइड्स है उनकी जगह क्या होंगे, जो लुब्रिकेशन के कारण सोइल के पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के कारण वॉल्यूम में कमी होगी, वॉल्यूम में कमी होगी तो आपके वॉइड रेशियो में कमी होगी और जो वॉइड रेशियो कम होगा तो आपका गामा डी बढ़ जाएगा। पर एक समय जब वाटर कंटेंट आपका ओएमसी तक पहुंच जाता है, तो ओएमसी के बाद क्या होता है, ओएमसी के बाद जब हम उस सोइल के अंदर वाटर ऐड करते हैं या वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो जो एयर के वॉइड्स थे उनकी जगह उन 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 एयर वॉइड्स में आपका सोइल पार्टिकल्स की जगह पानी फील होगा और पानी उनके अंदर भरेगा। तो अब आपको पता ही है कि जो गामा एस की वैल्यू है
वो गामा एस की वैल्यू गामा डब्ल्यू से ज़्यादा होती है। तो ओ एम सी के बाद अगर मैं वाटर कंटेंट को बढ़ाता हूँ तो उस समय जो पार्टिकल्स के अंदर जो वॉइड्स अवेलेबल होंगे उनके अंदर आपका वाटर फील रहेगा, और वाटर फील होगा तो आपकी जो गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो गामा एस से कम होती है। इसलिए ओ एम सी के बाद अगर मैं वाटर कंटेंट को बढ़ाता हूँ तो ये जो गामा डी है वो कम होता जाएगा। जबकि अगर ओ एम सी को बढ़ाने के बाद यदि जो सोयल के पार्टिकल्स है वो उन वॉइड्स के अंदर फील होते तो हम क्या करते हैं, फिर गामा डी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती, पर उन जो वॉइड्स हैं उनके अंदर तो वाटर फील हो रहा है। वाटर फील होने के कारण आपकी जो गामा डी की वैल्यू है ओ एम सी के बाद घटती जाएगी। ये है आपकी लुब्रिकेशन थ्योरी। अब फिर नेक्स्ट आपकी जो दूसरी थ्योरी है वो आपकी थ्योरी है लैम्प थ्योरी। लैम्प थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें कुछ, क्योंकि लैम्प थ्योरी आपकी डबल डिफ्यूज लेयर पर डिपेंडेंट है। क्या होती है डबल डिफ्यूज लेयर, इसको पढ़ने के लिए हमें पता है कि जो कले के पार्टिकल्स है उनके फेस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और एज पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि वाटर आपका डाइपोलर नेचर का होता है तो उसके अंदर क्या होगा, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही वाटर के पार्टिकल्स या वाटर के मॉलिक्यूलर जो कले पार्टिकल्स हैं उनके फेस पर अटैच अटैच होके एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको हम एजोब लेयर कहते हैं। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो लेयर है, इसके ऊपर ये जो वाटर के पॉजिटिव पार्टिकल्स अटैच होंगे और इन जो वाटर के मॉलिक्यूलर और कले के पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रोंग बॉन्ड बॉन्ड बन जाता है जिसको हम वंडरवॉल बॉन्ड कहते हैं। और ये वंडरवॉल जो है यहाँ पे हाईली अट्रैक्शन होता है और इस लेयर को हाईली अट्रैक्शन के कारण जो ये पार्टिकल का ओरिएंटेशन है वो भी कैसा होता है, वो एक स्टेट होता है। तो ये जो लेयर होगी इस लेयर को हम एब्जॉर्ब लेयर बोलते हैं। और एब्जॉर्ब लेयर के बाद में क्या होगा, ये जो वंडरवॉल फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। इसलिए जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। इसके अंदर जो ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स होगा वो भी क्या होगा, रेंडम होगा, एज ए स्टेट नहीं होगा। इसलिए एब्जॉर्ब लेयर और डिफ्यूज लेयर के कॉम्बिनेशन को हम डबल डिफ्यूज लेयर बोल देते हैं। जब कभी हम इस वाटर को या सोइल पार्टिकल्स को हम 100 सोइल सैंपल को हम 105 से लेकर 110 डिग्री तक हम हीट गर्म करते हैं तो जो ये डिफ्यूज लेयर का वाटर है यही हमेशा इवापोरेट होता है। जबकि स्ट्रक्चरल वाटर जो है एब्जॉर्ब लेयर में जो वाटर है वो कभी भी आपका इवापोरेट नहीं होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल बाउंडेड वाटर भी बोल देते हैं। इसलिए जो ये लेयर बनी डिफ्यूज लेयर प्लस एजोब लेयर, इसको बोलते हैं अपन डबल डिफ्यूज लेयर। तो ये डबल डिफ्यूज लेयर के आधार पर ये आपके दो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको एक को हम बोलते हैं फोकुलेटेड स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फोकुलेटेड स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन होता है वो फेस टू इज स्ट्रक्चर होता है, और जबकि इसके अंदर फेस टू फेस स्ट्रक्चर होता है सो कले के पार्टिकल का ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई कले का पार्टिकल है
जिसके फेस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो दूसरा पार्टिकल होगा वो इस फेस से उसका एज अटैच होगा इस तरीके से, फिर ये आपका फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनता है और ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच हो रहा है, इसलिए जो फोर्स का नेट फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर के अंदर ये जो फोर्स है वो आपका रिपल्सिव नेचर का होता है। वोइड रेशियो ज़्यादा होता है इसके अंदर क्योंकि जो एज टू फेस ओरिएंटेशन है, इस वजह से यहाँ पे वोइड रेशियो ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे फेस टू फेस ओरिएंटेशन होने के कारण जो वोइड रेशियो है वो यहाँ कम होंगे। वोइड रेशियो जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा होगा उसकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और जिस स्ट्रक्चर का वोइड रेशियो कम होगा वहाँ पे परमेबिलिटी भी कम होगी। जबकि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, इसलिए इसको कंप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर की कंप्रेसिबिलिटी जो है कम होती है, जबकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही इसमें जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होती है और इसमें शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं अब जो ये लैम्स थ्योरी है वो क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू लैम्स, ये जो लैम्स थ्योरी है आपकी वो डबल डिफ्यूज लेयर पर डिपेंड है। तो जब हम इनिशियली वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं, इनिशियली आपका वाटर कंटेंट कैसा होता है, इनिशियली वाटर कंटेंट आपका कम होता है, तो जब ये वाटर कंटेंट कम होगा तो आपके जो इसका जो भी फोर्सेज होंगे उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें डोमिनेट होते हैं वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, और फ्लोकुलेटेड में इसकी जो वोइड रेशियो है वो भी ज़्यादा होगी। तो अब क्या होता है, हमें तो कंफेक्शन करना है और कंफेक्शन के अंदर वोइड रेशियो को कम करके गामा डी को बढ़ाना होता है। तो जैसे जैसे हम अकॉर्डिंग टू लैम्ब थ्योरी जैसे जैसे वाटर कंटेंट को बढ़ाते हैं, तो ये जो आपका वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स की जगह आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। रिपल्सिव फोर्स क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका डबल डिफ्यूज लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे डबल डिफ्यूज लेयर बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो फ्लोकुलेटेड से डिस्पर्स हो जाएगा, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में वोइड रेशियो की वैल्यू कम होगी और आपका गामा डी वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अब तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी DDL की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे DDL बढ़ेगा क्या वैसे वैसे फिर तो वाटर जो आपका यूनिट ड्राई यूनिट वेट है वो भी बढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि जो आपका एक OMC होता है ऑप्टिमम वाटर कंटेंट पर, आपकी जो DDL का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है और उसके बाद वही कंडीशन आ जाती है जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जैसे जैसे वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे उन वॉइड्स के अंदर आपका वाटर आएगा, और वाटर के कारण आएगा तो वाटर की जो वाटर आएगा तो उनके अंदर रिपल्सिव फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो गामा डी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ये तो ये थी आपकी लैम्ब थ्योरी। तो हमने ये जो पहला इफेक्ट है अफेक्ट जो पहला फैक्टर है उसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि
कि कौन कौन से अफेक्ट और बच गए जो आपके कंपेक्शन ऑफ सोइल को अफेक्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।